The plant developmental biology course. Today we shall see the difference between bud dormancy and seed dormancy. Bud dormancy होती क्या है और seed dormancy क्या होती है, इसके बारे में हम last session पढ़ चुके हैं, उसका link मैं description में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर आप individually इनको पढ़ सकते हैं. So let us start the topic today. Bud dormancy and seed dormancy. In case of birds, there is no hulls around them. Hulls कहा जाता है छिलके को. That is no protective structures around them. But in case of seeds, they have hulls. अराउंड देम उनके लिए छिलका मौजूद होता है, कोटिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट. अगर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ बर्ड इज लेस टिश्यू डिफरेंशिएशन, बट इन केस ऑफ सीड्स इज मोर टिश्यू डिफरेंशिएशन. इन केस ऑफ बर्ड्स लॉन्जेविटी इज लेस. लॉन्जेविटी मतलब होता है लंबी उम्र. वजह उसकी ये है कि उनके लिए कोई छिलका नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती, दैट्स वाई वो हार्श एनवायरनमेंट को सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते. इन केस ऑफ सीड्स दे कैन सर्वाइव हार्श एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ हल्स. फोर्थ पॉइंट, देयर इज लेस स्पेशियल मूवमेंट. इनका डिस्पर्सल कम होता है बर्ड्स का, बट सीड्स का इज मोर स्पेशियल मूवमेंट. इनका डिस्पर्सल ज्यादा होता है क्योंकि कुछ सीड्स के इर्द गिर्द विंग मौजूद होता है, जिस वजह से जहाँ पैदा हो रहे होते हैं वहां से आसानी से ट्रेवल कर जाते हैं टू द फार एरियर्स बिकॉज ऑफ विंड. विंड को उड़ा के वहां से ले जाती है. इनका जहाँ पैदा होते हैं और जहाँ जाके ये जर्मिनेट कर रहे होते हैं, दे कैन डिफरेंट एरियाज. अगर हम देखें फिफ्थ पॉइंट, इनके सिर्फ बर्ड्स इज नो जेनेटिक नोवेलिटी. नोवेलिटी कहते हैं नयापन, वो इनमें नहीं होता. बिन केस ऑफ सीड्स देयर इज पोटेंशियली न्यू जीनोटाइप्स. रीजन इज सिंपल है, सीड्स कंटेन एम्ब्रियोस एंड एम्ब्रियोस आर फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट्स एंड जाइगोट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो डेफिनेटली जो सीड्स बन रहे होंगे वो हर बार नए ही बन रहे होंगे. So that was the difference between bud dormancy and seed dormancy. If you like the lecture, kindly hit the like button. Subscribe to our channel. Apna khayal rakhiyega. Allah Hafiz.